Assalamu alaikum guys, today I'm going to share with you a Rajab special recipe which name is Rajab special meaty tikiya. Yes guys, Rajab ki special meaty tikiya ki recipe main aaj aapko sikhane wali hu. So guys, let's start with dough preparation. डो की तैयारी से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने ले लिया है एक तसला और इसके अंदर मैंने डाल दिया है सूजी डेढ़ कप. डेढ़ कप सूजी डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिल्क. यस गाइस, हम इस आटे को जो बनाएंगे यानी इस डो को, इसको हमने 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा मिल्क डाल के, यानी आधा कप मैंने मिल्क लिया है. दूध डालकर हमने इसको फूलने के लिए रख देना है. जब सूजी थोड़ा सा फूलने लग जाएगी तो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ऑयल. ऑयल भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, यानी 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल करा है. इसके अलावा मैदा मैं डाल रही हूँ 2 कप्स. 2 कप मैदा मैंने लिया है. इसी के साथ साथ मैं मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले पहले मैं मिक्स करती जाऊँगी सूजी और मैदे को. यस गाइस, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर, यानी बहुत ही थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है. आइसिंग शुगर 1 कप मैंने इसमें शामिल कर दी है, यानी पिसी हुई चीनी 1 कप. और इसी के साथ साथ इलायची पाउडर होगा, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, और सफ़ेद तिल भी हमने डाल दिए हैं 2 टेबलस्पून. खोया यानी मावा जो होता है बना बनाया, वो भी हमने डाल दिया है इसमें 1/2 कप. इसके साथ साथ मैंने इसको 20 मिनट तक गूंदा है और इस पर मुक्के यूज़ करें हैं, मतलब मुक्कियाँ मारनी है. फिर मैंने इसको कढ़ाई में तेल डालकर मैंने इसको गरम कर लिया है और मैंने इसको 20 मिनट के बाद आटे को मैंने इस तरह से शेप दिया है अपनी डो को. इस तरीके से आपने शेप दे देना है और एक एक करके इसको तलना है, डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर. पहले हम 1 को डालकर टेस्ट कर रहे हैं कि तेल की ज़्यादा तो गर्म नहीं हुआ. ये 1 बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसका मतलब हम और भी डाल सकते हैं. अब मैंने इसको 2 से 3, 4, 5 आप इसमें शामिल कर सकते हैं. जैसे जैसे डो जो हमारी ये टिकिया जो है ऊपर आती जाएगी, इसका मतलब है कि वो पलटने के लिए तैयार हो रही है बिल्कुल. जब सारी हम तल लेंगे, सबको दोनों तरफ से हमने तलना है. अब गोल्डन ब्राउन होने दें दोनों तरफ से. जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो समझे हमारी टिकिया बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है और ये फिर खुद ही अपने ऊपर ही इसको हम तेल से अलग कर लेंगे, यानी कि स्ट्रेन कर लेंगे. जैसा कि आपको दिख रहा होगा गाइस कि हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं. इसी के साथ साथ हम इनको अच्छे से सर्व करेंगे ऑयल को बिल्कुल सेपरेट करने के बाद. अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ. मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं गाइस. इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल.